जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कौसी पे कुछ से थ्योरम्स किए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जो बची हुई है वो भी बड़ा मार्वलस रिजल्ट है। उसको हम लोग कौसी थ्योरम्स ऑन लिमिट्स कहते हैं। तो क्या है उस बात को थोड़ा लिख लें, उसके बाद तब हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। ये है कौसी थ्योरम्स ऑन लिमिट। अब ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए सीक्वेंस यू एन सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू एल, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन की भी वैल्यू एल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अक्सर इस पर क्वेश्चंस जो हैं सी एस आई आर नेट गेट में बनाए जाते हैं, आई टी जैम में बनाते हैं। इस रिजल्ट का यूज करके बड़े मार्वलस क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और ये एकेडमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं थोड़ा प्रूफ करूँगा, क्योंकि जब आप प्रूफ की हर चीज़ को समझते हैं तो उसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं कि उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की गई है। और मैथमेटिक्स में वो जानना ज़रूरी है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, अगर स्किप करेंगे तो तैयारी आपकी अधूरी हो जाएगी। यू नो द मैथमेटिक्स कहा जाता है, यू नो द मैथमेटिक्स देन प्रिपेयर द मैथमेटिक्स। आप जानेंगे तभी तो प्रिपेयर करेंगे, जानेंगे नहीं तो प्रिपेयर क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ गिवन है कि लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू एल है। इसकी मीनिंग है जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट, राइट। और जितने कन्वर्जेंट सिक्वेंस होते हैं वो सारे बाउंडेड होते हैं। मीनिंग ये है कि एक ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी लिमिट एल है। तो प्रूफ ये करना है कि जो एनियथ पार्शियल सम जो है सीक्वेंस का अपान एन, इसकी जो लिमिट होगी वो भी मेरी एल होगी। अच्छा, एक दूसरा, अगर किताबी लैंग्वेज से अगर हटके अगर हम लोग बात करें तो इसकी मीनिंग क्या हो गई। यू एन एक सीक्वेंस है तो यू एन यू टू एन डॉट्स वन यू एन करेंगे डेफिनेटली दिस इज ए फंक्शन ऑफ एन। अच्छा, अपान यन, यन जो अपान यन है ये लफड़ा थब खड़ा करता जब ये जीरो होता, बट यहाँ नेचुरल नंबर यहाँ जीरो होना नहीं है। तो मीनिंग क्या है, डेफिनेटली दिस इज आल्सो ए सीक्वेंस हियर। या यूं कहें अगर किताबी लैंग्वेज से हटके अगर हम लोग बात करते हैं कि जनरल वे में बात करते हैं तो यू एन एक सीक्वेंस है। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसका एनियत पार्शियल सम दिया डेफिनेटली दिस इज ए सीक्वेंस हियर। अच्छा, अपान यन है डेफिनेटली, तो कंबाइंड एक मेरा सीक्वेंस हो गया ना। और लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी वी एल मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है वो भी एल पे कन्वर्ज करेगा। अगर यू एन एल पे कन्वर्ज करता है तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक वो भी एल पे कन्वर्ज करेगा, ये कहने का मतलब है। अच्छा, इसका प्रूफ जनरली हम लोग दो केसों में देते हैं। पहला एक केस एल जीरो ले लेते हैं, अगर एल जीरो है तो फिर ये चीज़ें सही हैं, अगर एल जीरो नहीं है तो चीज़ें सही हैं। अच्छा, वो बड़ा थोड़ा इजी प्रूफ है, बाकी जनरल प्रूफ करने से बेटर है कि हम लोग इसको केस में ले लें। मतलब जनरल प्रूफ ये भी है, केस में कहने का मतलब ये है कि थोड़ी चीज़ें जो होती हैं ना, जो प्रूफ है उसको ग्रैप करने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है। तो केस फर्स्ट ले लें हम लोग, लेट कर लें कि एल इज इक्वल टू जीरो है, तो मतलब सिक्वेंस जो है ना जीरो पे कन्वर्ज करता है, देन तो क्या होगा, लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो। मीनिंग ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कुल मीनिंग ये हो गई कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और हमें पता है कि जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। तो मीनिंग ये होगी कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज जो सीक्वेंस यू एन है वो बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड हुआ देन हमेशा एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर बी सच दैट, कैसा लिखेंगे भाई, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन लेस देन आर इज इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। मीनिंग क्या हो गई कि सीक्वेंस के सारे नंबर्स जो होंगे
वो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो इसकी मीनिंग ये हो जाती है माइनस बी लेस देन आर इज इक्वल टू यू एन लेस देन आर इज इक्वल टू बी। मीनिंग ये हुई कि सिक्वेंस के सारे नंबर इस दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे, तो ये तो मेरी बात बाउंडेड की हो गई। दूसरी बात क्या है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो है, मतलब सिक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करता है, तो उससे हम लोग क्या लिखते हैं वो भी चीज़ें फिक्स होती हैं, बार बार चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ। तो सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी यू एन इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी, डिफिनीशन से लिख रहे हैं बस, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर कोई भी हम ले लें सच दैट कैसा होगा व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, ये बात है, इसको मैं टू नाम दे दे रहा हूँ, ये हो गई। यानी ये जो चीज़ दी हुई है इससे दो चीज़ बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने कन्वर्जेंट सिक्वेंस होते हैं उससे हम लोग ये बात कर लिखते हैं जिस पॉइंट पर भी वो कन्वर्ज हो। दूसरी बात, अगर सिक्वेंस कन्वर्जेंट है डेफिनेटली वो बाउंडेड होगा, तो अगर सिक्वेंस बाउंडेड है तो ये बात आएगी। तो दो चीज़ें आ गई हमारी यहाँ। अब इन दोनों के सहायता से मुझे ये प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू यल होगा। अच्छा, यल हमने जीरो ले लिया है तो हम अब क्या प्रूफ करेंगे उस बात को भी लिख दें। नाउ वी हैव टू सो दैट लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी यू एन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है। अच्छा, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा उल्टा चलते हैं। मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्ज है। तो ये सीक्वेंस अगर जीरो पे कन्वर्ज है तो फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशंस क्या देते हैं कि डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स, कोई भी के वन के टू एम जो भी लिखना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस सीक्वेंस इज द जीरो। तो क्या मतलब हुआ, अगर हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर दें तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के वन ऐसा बिलोंग करेगा सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू वन यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के वन। इस बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं। अच्छा, अगर यूं भी लिखा गया है तो ऐसे भी हो जाएगा, दोनों बातें की है। तो मीनिंग अगर मैं ये चीज़ यहाँ ला दूँ तो फिर ये चीज़ हो जाएगी, बात मेरी प्रूफ हो जाएगी। तो हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं, देखते हैं कैसे लाते हैं। अच्छा, जब भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात होती है ना तो ये चीज़ नहीं प्रूफ करते हैं। ऑलरेडी जितने हमने सारी चीज़ों को प्रूफ किया है, जो मैथमेटिक्स में एक सिक्वेंस की दुनिया में जो प्रूफ करने की हमें जो टेक्निक मिली है उस टेक्निक में हम इस चीज़ को लाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ लाते कैसे हैं, जैसे हमारी जो नोन चीज़ें होती हैं उन नोन चीज़ों के हेल्प से हम उन चीज़ों को लाते हैं। तो यहाँ देखते हैं नोन हमारे पास क्या है। नोन में हमारे पास दो ही अस्त्र शस्त्र है, एक पहला है एक दूसरा है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो नाउ यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू के एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम है तो एम लिख दें, एम प्लस यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन, मैं यूं लिख सकता हूं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ कि क्यों मैं इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है मैथमेटिक्स का, उस चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले इस चीज़ को मैं लिख लूँ, हो गई बात है, ठीक है। यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन दिस। अच्छा, ऐसे लिखने के पीछे मेरा कंसेप्ट क्या है, क्यों हमने ऐसा लिखा, इसके लिखने के पीछे सिंपली रीज़न ये है कि हमें जो दो रिज़ल्ट मिले हैं, इससे जो दो रिज़ल्ट मेरे मिले हैं उसमें ये कहता है कि सीक्वेंस के सारे जो नंबर्स हैं ना वो इनके बीच में है, यानी मॉड ऑफ एन लेस देन आर इज इक्वल टू बी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरा बात ये कहा है कि एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, और मुझे प्रूफ करने के लिए एप्सिलॉन को इंक्लूड करना पड़ेगा,
अच्छा, जब ये सैलन क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा? देखिए ये आई आपकी मंजिल है और ये मंजिल में अब सैलन आना चाहिए, एप्सिलॉन बाई टू आए, एप्सिलॉन डैश आए, वो डजन मैटर, वो यहाँ कोई मैटर नहीं है। ये एप्सिलॉन मुझे इंक्लूड करना है तो फिर इसकी डिफिनीशन से कहाँ एप्सिलॉन आता है? तो बड़ा इजी वे में जवाब मिलेगा मुझे, यहाँ एप्सिलॉन आता है, यहाँ तो एप्सिलॉन मिलता नहीं है क्योंकि तो सिक्वेंस के सारे नंबर दो नंबरों के बीच में हैं, तो मुझे ये इंक्लूड करना है। अच्छा, ये मिल रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, इसीलिए इस एन को हम वन से लेकर के यहाँ हमने एम को इंक्लूड किया है। मतलब कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं यू वन से लेके एम तक एक भाग किया है और दूसरा भाग फॉर ऑल ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, अच्छा मैंने इज इक्वल यहाँ इंक्लूड कर दिया और ग्रेटर देन के बाद ये इंक्लूड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात एक ही है। अगर इज इक्वल टू एम से और ग्रेटर देन है तो बात हम यहाँ लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यू एम प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू करिए, वो भी चीज़ें आप लिख के देखिए, चीज़ रिजल्ट वही आएगा, डजंट वो कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं होगा। तो चलते हैं देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दूँ ये, तो ये पूरा मार्ड में हो जाएगा दिस। अच्छा, अगर इस मार्ड को मैं अगर यहाँ ब्रेक कर दूँ, ब्रेकिंग दिस मार्ड, तो फिर ये जो होता है हमारा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एम, बार बार के लिखा जा रहा है, यू एम बाई एन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन डिवाइड अपॉन एन। अब इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं क्या चीज़ें आने वाली हैं। दो केस की बात हमने किया है, अभी केस फर्स्ट है हमारा जहाँ एल इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, वन और टू तो पता हो गया, वन तो लेस देन आर इज इक्वल टू बी है और दूसरा है यम, और यम से जो ग्रेटर है उसके बाद वहाँ जब साइलन का कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ, अब देखिए इसको, तो फिर क्या होगा यहाँ, अब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन लेस देन आर इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन बाई एन बाहर ले ले रहे हैं, तो ये हो गया मॉड ऑफ यू वन मॉड ऑफ यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन मॉड ऑफ व्हाट यू एम दिस प्लस वन बाई एन, ये हो जाएगा मॉड ऑफ यू एम प्लस वन प्लस मॉड ऑफ यू एम प्लस टू प्लस एंड आर्ट्स वन मॉड ऑफ व्हाट यू एन, ये हो जाएगा। अच्छा, यूजिंग हम तो मिटा चुके हैं, बट आप ध्यान से देखिए, यूजिंग वन एंड टू भी है, जब वन पार्ट आप यूज करेंगे तो मॉड ऑफ यू एन क्या है? अच्छा, वहाँ लेस देन आर इज इक्वलिटी है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये यू एन बी है, लेस देन आर इज इक्वल टू बी, ये है ना कि मॉड ऑफ यू एन लेस देन आर इज इक्वल टू बी, ये फॉर ऑल एन, तो वन के लिए भी होगा, टू के लिए, थ्री के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए बात ट्रू होगी, तो फिर ये भी बी होगा प्लस एंड आर्ट्स वन लास्ट में दिस इज द बी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है भाई? एम टर्म्स, ठीक है, प्लस वन बाई एन। अच्छा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए लेस देन एप्सिलॉन है। अच्छा, यहाँ एक बात और करने जाएंगे कि चलिए कोई बात नहीं, वहाँ एप्सिलॉन बाई टू आप लिख दीजिए, जो रिजल्ट टू आपने लिखा है, अब एप्सिलॉन बाई टू आप क्यों लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी कि वो टेक्निकलिटी मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन बाई टू, कोई फर्क नहीं, अगर आपने एप्सिलॉन लिखा है तो कोई बात नहीं है, बट वहाँ एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू ऐड करने के बाद एप्सिलॉन आ जाए ना, तो बड़ा एक खुशी मिलती है कि ठीक है, जो हमारी परंपरा है लेस देन एप्सिलॉन लिखने की, वो चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू लिख दीजिए। जो स्टार टू है, सॉरी इक्वेशन जो टू है वो ये है कि मॉड ऑफ यू एन
लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, ये बात लिखी गई है, वहाँ बाई टू लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाई थ्री लिख दीजिए, बाई फोर लिख दीजिए, बट मेरी सेटिंग में वहाँ टू लिखना पड़ता है इसलिए वहाँ टू लिख दीजिए और कोई मैटर नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि बाई टू की जो महिमा है वो क्यों है। अब यूज मैं किया हूँ वो इस यहाँ जो है बाई टू कर दीजिए बस। तो फिर आप क्या लिखेंगे, ये एप्सिलॉन बाई टू आएगा, ये एप्सिलॉन बाई टू आएगा प्लस एन डॉट वन एप्सिलॉन बाई टू आएगा। अच्छा यहाँ कितने टर्म्स हैं, एम प्लस वन एम प्लस टू से लेकर अगर एन लिखा जाए तो यहाँ हमारे जो टर्म्स होंगे वो एन माइनस एम होंगे। निकाल लीजिए, देख लीजिए, एम प्लस वन है, एम प्लस टू है, एन डॉट वन लास्ट टर्म एन है, तो फिर ये ए पी का है, लास्ट टर्म एन है तो एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एम प्लस वन माइनस वन है, सॉरी एम प्लस वन फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन, तो एल लेते हैं टर्म, एल माइनस वन इंटू डी, डी मेरा वन है, तो फिर क्या आ गया, एन इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस एन, तो एन प्लस एल ये हो गया, तो दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू एन माइनस एम। मीनिंग क्या है कि ये एन माइनस एम टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन आर इज इक्वल टू, अगर इस बी बी को मैं एम टाइम्स तक ऐड करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी अपान एन प्लस ये हो जाएगा हमारा एन माइनस एम टाइम्स तक एप्सिलॉन बाई टू ऐड किया गया है, तो एन माइनस एम इंटू एप्सिलॉन बाई टू बाई एन, ये हो गया दिस। अच्छा एक बात और मैं यहाँ करूँ तो फिर ये है एम बी बाई एन प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस एम बाई एन इंटू एप्सिलॉन बाई टू। अब थोड़ी यहाँ और टेक्निकलिटी एक चीज़ देख लें कि ये जो रिलेशंस ट्रू है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए, मीनिंग है कि एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम है तो एन बाई एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होगा। मतलब ये हो गया कि वन है, एन बाई एम वन भी हो सकता है और एन बाई एम ग्रेटर देन वन होगा, वन से लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर एम बाई मैं एन निकालूँ तो हमेशा वन से लेस आना है, ऑलवेज दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन वन, और वन हो सकती है, अगर वन लिखेंगे दैट इज द जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो पर्टिकुलर केस नहीं, जनरल लेस देन अगर वन है तो लेस देन वन लिखने के बाद अगर मैं यहाँ इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो वन माइनस लेस देन ए नंबर वन, मीनिंग क्या होगी, तो फिर ये वन से छोटा हो जाएगा, वन से छोटा हो गया यूजिंग दिस कंसेप्ट, एम बाई एन वन से लेस है, और वन में से अगर कोई भी नंबर अगर मैं वन से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज नॉट निगेटिव, ये बात बिल्कुल दवा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वन से बड़ा हो जाएगा, नहीं एम नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, डिफरेंट दिस इज अ पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव नंबर है जो वन से लेस है, तो जब वन में से हम एक पॉजिटिव नंबर निकालेंगे तो हर हालत में वन से कम आएगा, बात पक्की हो गई। तो दिस इज ऑलवेज लेस देन वन, आर जीरो हो सकता है, वन माइनस एम बाई एन ऑलवेज लेस देन वन। अच्छा और ऑलवेज लेस देन वन नंबर से अगर एप्सिलॉन बाई टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा, इक्वल तो नहीं होगा। तो मैं इस कंसेप्ट का यूज करके मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट है यू वन प्लस यू टू प्लस एन डॉट वन यू एन अपान एन लेस देन एम बी अपान एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू, यूं भी लिखा जा सकता है। अच्छा वो है जो ये जो रिजल्ट चल रहा है ना वो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए चल रहा है। चलिए इसको हमने थ्री नाम दे दिया, ये बात हो गई मेरी। अब हम लोग क्लाइमेक्स की ओर आ गए हैं। चलते हैं देखते हैं अब कहानी कैसे ट्विस्ट करती है। क्या है ये, किताबों में तो डायरेक्ट सपाट लिख दिया गया है बहुत जगह, बट उस चीज को थोड़ा मैं अपनी लैंग्वेज में एनालिसिस कर दूं। इस चीज पे आते हैं, ये जो मीनिंग मेरी होती है ना वो एन टेंस इन्फिनिटिव की ही बात करता है। अब थोड़ी मैं यहां अगर अपनी बात कर दूं एज एन टेंड्स टू इन्फिनेटिव देन
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो, ये देन वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो हियर। सीधा सा पार्ट लैंग्वेज, कोई बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं, बिल्कुल क्लियर है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो लिमिट अगर मैं ये यूज करूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम बी बाई एन इज इक्वल टू भी जीरो होगा। चलिए देख लीजिए, बी मेरा कोई पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, मॉड ऑफ लेस देन आर इक्वल, ये मॉड लिखा गया ना, यहाँ बी लिखा गया है, तो जब भी मॉड लगा देंगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। तो बी इज ए पॉजिटिव, एम भी पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट इज ए पॉजिटिव एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ एन। तो डेफिनेटली अब दिस इज कंबाइंड, दिस कंबाइंड इज ए व्हाट सीक्वेंस, दिस कंबाइंड इज ए सीक्वेंस। अच्छा, अब ये सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेस टू जीरो है। तो अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करता है तो हम लोग लिखते क्या है, तो बाई दिस कंसेप्ट दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी, वही चिर परिचित अंदाज वाली लैंग्वेज, फॉर एवरी एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, हाँ यहाँ नेचुरल नंबर बदल जाएगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी आर या जो भी लिखना है, नेचुरल नंबर्स आर सच दैट, कैसा लिखेंगे भाई, पता हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गई बातें। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम बी बाई एन भी जीरो होगा, तो फिर क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बाय आप एम बी बाई एन दिस लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, सिंस ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नहीं रखा जाता है, उसकी तौहीनी हो जाती है, तो फिर पॉजिटिव नंबर एब्सोल्यूट से बाहर हो गया, तो ये हो गया हमारा एम बी बाई एन लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। अब इसका नामकरण संस्कार मैंने फोर कर दिया। चलिए भाजी, ये जो थ्री है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए है, मतलब ये है कि अब यहाँ ध्यान दें थोड़ा, बिगिनर स्टूडेंट, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट को यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी ये तो सीधा सपाट जो डिफिनीशन थी उसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, तो ऐसी खुल के बिल्कुल आ गई, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ये इन क्वालिटी थ्री ट्रू है, यहाँ मान लीजिए यम है और ये आर है, यहाँ आर हो सकता है, यम हो सकता है, डजन मैटर, कोई मीनिंग नहीं है, यम नेचुरल नंबर है और आर भी है, तो कोई बड़ा एक छोटा हो सकता है, मान लीजिए यम में है आर ए है। अच्छा, आप आर यहाँ ले लें, यम यहाँ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लीजिए। यम ग्रेटर देन यम के लिए ट्रू है, मतलब ये सभी नेचुरल नंबर इधर जो है उनके लिए ट्रू है, अब ये जो है इधर के बाद ट्रू है। तो अगर मैं एक यहाँ कंसेप्ट यूज करूँ कि लेट के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ यम आर, तो क्या ख्याल है भाई, तो इस के लिए दोनों होल्ड कर जाएंगे, फिर के कहाँ मिलेगा, के तो हमारा फिर यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ के बाद इन क्वालिटी थ्री और फोर दोनों ट्रू है। तो लेट के इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम आर, तो यूजिंग थ्री एंड फोर वी हैव, यूजिंग थ्री एंड फोर वी हैव, क्या लिखेंगे भाई, चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू वन यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन लेस देन, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बाई टू दिस प्लस, ऑलरेडी एप्सिलॉन बाई टू है, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन बाई एन लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एप्सिलॉन का वो कंसेप्ट क्यों यूज, एप्सिलॉन बाई टू का कंसेप्ट यहाँ क्यों यूज किया था, बस यही है। तो जहाँ एप्सिलॉन बाई टू लिखना पड़े ना, आप समझ जाइए कि वहाँ दो चीज़ों का यूज होना है, एक एप्सिलॉन बाई टू हो गया तो दूसरा आपका एप्सिलॉन बाई टू होने के लिए इंतजार कर रहा है। अच्छा, वो भी कैसे आएगा, कुछ बहुत बड़ा यहाँ गेम नहीं करनी है, सीधे सपाट डिफिनीशन से ब्रेक कर दीजिए, हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ सारी चीज़ों को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अभी रिजल्ट आ गया। अच्छा, एक चीज़ तो भूल ही गए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है लेस देन एप्सिलॉन है तो भाई ये लिखना पड़ेगा ना, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, तो फाइनली हमें क्या मिला कि मॉड ऑफ यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन अपान एन लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, ये एप्सिलॉन बाई टू आता है, थ्री आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट चूंकि परंपरा है ना, वो एप्सिलॉन ही है, इसलिए वो बाई टू बाई थ्री का कंसेप्ट यूज करते हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के।
तो इसी को क्या लिखेंगे, लिमिट ये दिस इज द जीरो, प्रूफ हो गया। अच्छा किस सेकेंड, तो यूं चुटकी बजाते ही फिनिश हो जाएगा, किस सेकेंड में एल जीरो नहीं है, ठीक है, तो लेट कर लीजिए कि वी एन इज इक्वल टू यू एन माइनस एल है। अच्छा अब यहाँ लिमिट अगर आप लगाएंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन माइनस एल, ये तो कांस्टेंट है, ये एल है, एल माइनस एल इज इक्वल टू जीरो। अब पहले केस में आके कन्वर्ट हो गया ये केस फर्स्ट पे। अच्छा अगर यू एन सिक्वेंस है, ठीक है, एल एक कांस्टेंट नंबर है, तो अगर सीक्वेंस में से कोई कांस्टेंट नंबर घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सीक्वेंस होगा, तो वी एन डेफिनेटली भी ये सीक्वेंस, और ये ऐसा सीक्वेंस है कि वो जीरो पे कन्वर्ज करता है, तो हाँ यू एन ऐसा सीक्वेंस था जो जीरो पे कन्वर्ज कर रहा था, तो यहाँ भी बात वही आ गई। तो फिर इसकी मीनिंग क्या हो गई, तो बाई वन बाई केस फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, बाई केस फर्स्ट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाट वी वन प्लस वी टू प्लस एंड आर्ट्स वन वी एन बाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार कह दें, तो फ्रॉम स्टार क्या होगा लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी वी वन प्लस वी टू प्लस एंड आर्ट्स वन वी एन बाई एन, लिखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा वी वन लिखेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा यू वन, तो फिर ये हो गया यू वन माइनस एल प्लस यू टू माइनस एल प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन माइनस एल अपान एन दिस। अच्छा फिर कितने टाइम्स तक ऐड करेंगे, एन टाइम्स तक, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन बाई एन दिस, और ये हो जाएगा माइनस व्हाट, ये कितने टाइम्स तक हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा लिमिट, डायरेक्ट तोड़ के लिख दें ई एन एल वाई एन, ई एन एन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है, ज़ीरो आई है, तो फिर ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन वाई एन। अब ये जो मेरी वैल्यू हो गई माइनस एल हो गई, दिस इज द माइनस एल, तो फाइनली क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू वन प्लस यू टू प्लस एंड आर्ट्स वन यू एन बाई एन इज इक्वल टू, हैंस दिस इज द योर रिजल्ट हियर। सेकेंड केस में कुछ दम नहीं था, बस केस सेकेंड आप ऐसे ले लीजिए, हैंस दिस इज द प्रूफ। अच्छा कुछ ऑथर्स इसी को लेकर के वो प्रूफ किए हैं, बट वो एक बुक की लैंग्वेज है जहाँ बिगिनर स्टूडेंट बड़ा कायदे समझ नहीं पाता है, इसलिए हमने इस केस दो केसों में अलग अलग कर दिया ताकि स्टूडेंट को वो कायदे से समझ में आ जाए। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, वहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम है हम उसका जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो थ्योरम्स कौशी थ्योरम्स एंड लिमिट था ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।